हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो हमारी आज कंप्यूटर की 5वीं क्लास सीरीज वही फुल फॉर्म्स की। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब तक फुल फॉर्म्स कंप्लीट नहीं होगी तब तक फुल फॉर्म्स को हम रखेंगे, और फुल फॉर्म्स को आज फुल फॉर्म्स की एक और क्लास आपके सामने हाजिर है। तो कंप्यूटर 5th क्लास फुल फॉर्म्स आर द नॉलेज है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो आज का अपना पहला पहला प्रश्न है SMS की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यूज सभी करते हैं और फुल फॉर्म हर किसी को मालूम नहीं होती। तो इसके ऑप्शन नंबर है शॉर्ट मैसेज सर्किट, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है शार्प मैसेजिंग सर्विस, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबोव। तो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबोव। तो आप लोगों का उत्तर क्या होने वाला है? तो SMS होता क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं उसको SMS ही कहते हैं। हमारे जो छोटे छोटे मोबाइल्स में होते हैं ना, नोकिया 1200, उसमें भी जो SMS का होता था तो वही SMS होता है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो SMS की जो फुल फॉर्म होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो जो पहला प्रश्न है SMS की फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है CCTV। CCTV की फुल फॉर्म क्या है? ये मालूम सबको है CCTV है, लेकिन CCTV की फुल फॉर्म हर किसी को मालूम नहीं है। तो CCTV की फुल फॉर्म आज हम जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, ऑप्शन नंबर ए क्लियर सर्किट टेलीविजन कैमरा सर्किट सर्विस, क्लोज्ड टेलीविजन कैमरा। तो कौन सा आपका उत्तर इसमें हो जाएगा? तो मैं CCTV के बारे में बता दूं कि हम जब हमारे दुकानों पर, घर पर, कंपनी फैक्ट्रीज में इसका उपयोग करते हैं, हम एक कंप्यूटर जो होता है, एक मॉनिटर, हम एक कंप्यूटर या एक मॉनिटर में हम 10 से 15 CCTV, कितने भी CCTV हो, हम 10 से 15 CCTV को एक मॉनिटर में हम देख सकते हैं, संभाल सकते हैं उसको। जितने CCTV फोटोज होंगे वो हम एक मॉनिटर में देख सकते हैं, ये इसका फ़ायदा होता है। ये 24 आवर्स काम कर सकता है CCTV कैमरा, और ये लाइट से चलता है, लेकिन CCTV कैमरा 24 आवर्स काम कर सकता है। तो अब प्रश्न बात करते हैं कि CCTV की फुल फॉर्म क्या है। तो CCTV की फुल फॉर्म क्या होती है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन याद रहेगा ये। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना तीसरा प्रश्न है GUI। GUI की फुल फॉर्म बताइए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, इंटरफॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो बताओ, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, ग्राफिक्स यूजर इंटरफॉर्म, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आपका सही होने वाला है? तो इसमें आपको मैं GUI जो है, ये जो उत्तर है इसका वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ये होता क्या है। ये जो होता है ये चित्रात्मक रूप में सारे कार्य करता है। इसके जो निर्देश होते हैं, निर्देश हम कह सकते हैं, जो वर्तमान में विंडोज़ चलती है कंप्यूटर में, वर्तमान में जो विंडोज़ चलती है ना कंप्यूटर में, विंडोज़ चलती है, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो विस्टा, ये जो विंडोज़ है ये सब GUI के उदाहरण होते हैं, क्योंकि इसमें हम जो अपना डेटा है ना, वो अपने चित्रात्मक रूप में, हम इसको इमेज रूप में है ना दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चलाने के लिए, मान लो हमें विंडो में जाना है, विंडो में हमें जाना है पेंट ऑप्शन पर। तो पेंट ऑप्शन के लिए हम आपको इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट होम पेज पे जाएंगे, होम पेज में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, और पेंट का ऑप्शन जो लिखा हुआ होगा बढ़िया बढ़िया, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और पेंट ऑप्शन को खोल लेंगे। तो ये तो हो गया पेंट ऑप्शन को खोलने का इसमें। और फिर इसी के साथ एक और चीज़ आती है CUI। CUI जिसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके, ये होती है ग्राफिकल और ये होती है कैरेक्टर। देखो इतना ही फर्क है। कैरेक्टर मतलब अगर मान लो इसमें आपको पेंट ऑप्शन खोलना है ना, पेंट ऑप्शन, तो इसमें क्या होता है, इसके लिए अलग से अपने को कमांड देना पड़ता है, कमांड। तो अगर आपको पूछा जाता है कि कमांड द्वारा, या फिर सभी कार्य कमांड के द्वारा होते हैं, कैरेक्टर के रूप में दिए जाते हैं, सभी कमांड के द्वारा कार्य होते हैं, तो वो कौन किस में होते हैं? तो CUI में। CUI होता है कमांड, या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं, जिसमें कमांड के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है,
कमांड या कैरेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं, इसमें हम डायरेक्ट नहीं चला सकते। और CUI और GUI में अगर अंतर देखें तो GUI क्या होता है, ये सरल होता है, GUI सरल होता है सीखने के लिए, लेकिन जो CUI होता है, CUI ये कठिन होता है, ये कठिन होता है, इसको सीखने के लिए हमें कोर्स करना होता है। फिर इसके सभी अगर कोड हमको याद है तो हम कंप्यूटर के सारे फंक्शन चला सकते हैं, अन्यथा अगर हमको एमएस वर्ड का कोड इसमें मालूम नहीं है तो आप एमएस वर्ड को नहीं खोल पाओगे। अगर जीयूआई में आपको एमएस वर्ड को खोलना है तो उसमें मोटा मोटा लिखा होता है MS Word, तो एमएस वर्ड इसमें लिखा होता है, तो एमएस वर्ड उसको खोल सकते हो। तो हो गया आपका क्लियर ऑप्शन, प्रश्न नंबर 3। तो जीयूआई की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, ऑप्शन नंबर सी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलते हैं ऑप्शन प्रश्न नंबर 4, DPI। DPI क्या है बताओ भाई, ऑप्शन प्रश्न नंबर 4 है DPI क्या है, डॉट पर इंच है, डाटा पर इंच है, डिस्प्ले पिक्चर एक्यूटी है, या नन ऑफ दी अबोव है। जल्दी से आपका उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो, सोच लिया उत्तर क्या है, मैं बताऊं अब। तो इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको, आप उत्तर सोचने में मैं इसकी परिभाषा कर देता हूँ क्या है ये। ये क्या होता है कि अपने जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर 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 सॉरी प्रिंटर प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापता है, ये रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापता है डॉट पर इंच, मतलब जो अपना प्रिंट करने का कागज़ होता है ना वो मापा जाता है डॉट पर इंच पर, इंच पर मापा जाता है, डॉट्स पर इंच पर। और ये डॉट्स जितने पास में होंगे, जितने पास में होंगे, जितने पास में होंगे उतनी पिक्चर क्वालिटी इतनी बढ़िया होती जाएगी, है ना। तो ये होता है डॉट्स पर इंच, प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापते हैं किसमें, डॉट पर इंच में मापते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो आपको उत्तर मिला, तो ऑप्शन नंबर जो प्रश्न नंबर 4 है DPI, DPI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डॉट्स पर इंच, डॉट्स डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। सो क्लियर, क्लियर दैट। तो हम चले अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपना है वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है भाई, बहुत चला है फ्री में वाईफाई सभी का, आपके पास डाटा नहीं होता तो यही करते हो, अरे भाई वाईफाई खोलना यार, अरे भाई तेरा वाईफाई खोल यार, तेरा वाईफाई सॉरी तेरा हॉटस्पॉट खोल यार, मेरे को वाईफाई जोड़ना है अपना, तो उसके हॉटस्पॉट से अपना वाईफाई जोड़ लेते हो और इंटरनेट का यूज़ करते हो। तो आपको मालूम है इंटरनेट का यूज़ होता है, इंटरनेट का ही नहीं भैया, जो वाईफाई होता है ना इससे हम डाटा शेयर का भी कार्य कर सकते हैं, डाटा शेयर, डाटा शेयर वाईफाई हॉटस्पॉट के द्वारा डाटा शेयर भी हम कर सकते हैं। तो वाईफाई, वाईफाई होता क्या है, तो ये वाईफाई हम कर सकते हैं कि मतलब हम इससे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट इंटरनेट यूज कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, क्या होता है ये वाईफाई के कार्य होते हैं। अब वाईफाई की फुल फॉर्म, तो वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेशन, वायर फिडेलिटी या वायरलेस फिडेलिटी बताओ फटाफट फटाफट। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। चलो इसके बारे में बता दिया। तो आपको मालूम है क्या एक चीज़ और होती है सी, ये वाईफाई तो क्या होता है हॉटस्पॉट को अगर हम खोल देते हैं तो इससे क्या होता है 30-35 मीटर का जो एरिया होता है उसके आसपास हम वाईफाई कनेक्ट करके उससे इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो होता है LIFI, लाइफाई। अब आप कहोगे ये क्या है सर, तो ये है लाइफाई जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट फिडेलिटी, क्या होती है लाइट फिडेलिटी, ओके फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी, जो लाइफ आई होती है लाइट फिडेलिटी होती है। तो मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ, इससे देखो ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइट क्या बोल रहा है, ये लाइट, तो लाइट फिडेलिटी मतलब लाइट के द्वारा, मतलब हम कह सकते हैं कई कई ऑफिसोस में ये क्या लगाया जाता है लाइट फिडेलिटी, मान लो ये रूम है, ये टोटल क्या है रूम, तो इस रूम के इस कोने में एक लाइफ आई का कनेक्शन लगाया गया है और इसकी रोशनी जो है यहाँ तक आती है, यहाँ यहाँ, और इसकी रोशनी यहाँ पर नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और ये लाइफ आई ऑन है, आप इसको कनेक्ट करना चाहोगे तो इट कुड नॉट बी कनेक्ट, अगर आप यहाँ पे हो तो नहीं हो पाएगा। अगर आप इसके एरिया में आ जाते हो, यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे आ जाते हो, मतलब इसके एरिया में अगर आ जाते हो तो ये लाइफ आई है ना जुड़ जाता है, लाइफ आई जुड़ जाता है और इससे हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ये होता है लाइफ आई। लाइफ आई मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश के रूप में ये इंटरनेट देता है हमको, प्रकाश के रूप में हम इसको याद कर सकते हैं बल्ब, कैसे याद कर सकते हैं बल्ब के रूप में। सर आप कहोगे बल्ब, बल्ब कैसे सर,
मतलब ऐसे कह सकते हैं, बल्ब बल्ब जहाँ मतलब हम बल्ब के पास जाएंगे तो उजाला, सॉरी एक बार मैं काट देता हूँ उसको, हम बल्ब के पास जाएंगे तो उजाला और साइड में आएंगे तो अंधेरा, वैसा ही इसमें है। हम इसमें पास साथ में इसके सामने जाएंगे तो हमारा इंटरनेट चलेगा, और एक इसके सामने नहीं जाएंगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा, बस यही होता है। इसीलिए इसको कहते हैं लाइट फिडेलिटी। तो इसके लिए जो उत्तर होने वाला है वाईफाई का, तो वाईफाई का होना है वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की अपनी जो 5 क्वेश्चंस की सीरीज थी वो आपको कैसी लगी? मैं ज़्यादा प्रश्न लेने में विश्वास नहीं रखता, उसकी व्याख्या करने में विश्वास रखता हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली। तो हम चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में यही फुल फॉर्म्स के दौर में। अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।